नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं राकेश सियाग आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस के अंदर, और वो टॉपिक होने वाला है परिवहन तंत्र के ऊपर। यानी सबसे पहले हम पौधों में परिवहन पढ़ेंगे, पौधों के अंदर परिवहन किस प्रकार से होता है। जैसे जल होता है वो पौधे के पूरे भाग में कैसे जाता है, भोजन पत्तियों में बनता है वो पूरे शरीर में कैसे आता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको अंत तक देखना है और अच्छे से आपको इसको पढ़ना है। इसका जो PDF है वो भी आपको दे दिया जाएगा, और जो PDF आपको मिलेगा वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम की ऐप के ऊपर ज्ञान का अड्डा, आपको हमारा चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना और आपको PDF दे दिया जाएगा। ये तो बात रही PDF की। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहते हैं। बहुत सारी क्लासेस चैनल के ऊपर चलती रहती हैं, और अच्छे से आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, हमसे अच्छे से विश्वास करके जुड़ सकते हो, और हम आपके लिए पूरी मेहनत करेंगे, ये हम आपसे दावा करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा परिवहन तंत्र के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं परिवहन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? परिवहन तंत्र के बारे में चर्चा करते हैं। परिवहन तंत्र है क्या? परिवहन तंत्र, सबसे पहले बात आता है परिवहन होता क्या है। भाई, किसी भी जल पदार्थ को, जलीय पदार्थ को, या किसी भी पोषण को, भोज्य पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ही क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। तो आपसे परिवहन की कोई परिभाषा नहीं पूछेगा, कोई डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपसे परिवहन की। आपको ध्यान रखना है पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है और मनुष्य में परिवहन किस प्रकार से होता है, यही दो टॉपिक आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पौधों में परिवहन। किसमें पढ़ेंगे? पौधों में परिवहन। पौधों के अंदर परिवहन पढ़ेंगे, पौधों के अंदर परिवहन किस प्रकार से होता है और किसके द्वारा होता है, है ना। पौधों में परिवहन किस प्रकार से होता है और किसके द्वारा होता है, ये दोनों चर्चा हम करने वाले हैं। तो देखिए ध्यान से, जो पौधों में जो परिवहन होता है उसके लिए दो ऊतक काम आते हैं, और वो ऊतक होते हैं जटिल ऊतक। यानी कहने का मतलब, पौधों में परिवहन के लिए हम इस प्रकार से लिखते हैं, परिवहन के लिए दो जटिल ऊतक कार्य करते हैं। किसकी बात कर रहा हूं मैं बात पौधों की कर रहा हूं। पौधों के अंदर जो परिवहन होता है उसके लिए दो जटिल ऊतक क्या करेंगे? काम करेंगे। और वो दो जटिल ऊतक कौन कौन से होंगे? उसमें पहला होगा जाइलम और दूसरा क्या होगा फ्लोएम। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जाइलम और फ्लोएम के बारे में। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं पौधों में परिवहन के लिए क्या होता है, दो जटिल ऊतक काम आते हैं, और वो दो जटिल ऊतक कौन कौन से होते हैं? एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। तो पहले हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम क्या करता है, किस प्रकार से बना होता है, फ्लोएम क्या काम करता है और किस प्रकार से बना होता है, ये सारी चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा सकते हैं एक नंबर जाइलम। अब ध्यान से समझना, वैसे एक एक बात मैं आपको बताता हूँ, फिर भी थोड़ी बहुत बातें रह जाती हैं, तो आप अपनी बुक से पढ़ने की कोशिश किया करो, क्योंकि जो आपके पास जो कंटेंट है ना वो मेरे पास नहीं मिले, और जो मेरे पास कंटेंट है वो आपके पास नहीं मिले। तो हमें क्या करना है, हमें एक दूसरे का सहयोग करना है। सहयोग का मतलब एक दूसरे से तालमेल बिठाना है। जो मैं आपको बताता हूँ वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके अलावा भी आपको पढ़ना है। अब आप ये मत सोचा करो कि सर ने ये नहीं बताया। हाँ, हो सकता है कि आपके पास जो बुक है वो मेरे पास बुक नहीं हो, है ना। तो उस बुक में जो आपकी बुक में जो फैक्ट दे रखा है वो फैक्ट मेरी बुक में नहीं हो, तो शायद हो सकता है छूट भी सकता है। तो वो थोड़ा सा आप भी खुद कोशिश किया करो कि हम भी पढ़ें, है ना, क्योंकि सक्सेस वही होता है जिसकी रुचि बुक में होती है। हमारा काम होता है बुक में आपकी रुचि पैदा करना, और हम रुचि पैदा करने की कोशिश भी करते हैं। जो टॉपिक हम आपको पढ़ाते हैं वही टॉपिक अगर आप बुक से पढ़ोगे ना तो आपको 100% याद हो जाएगा, ठीक है। हम हमारी तरफ से 100% नहीं बता पाएंगे, कोई भी टीचर नहीं बता पाएगा, क्योंकि आपके पास जो कंटेंट है वो हमारे पास नहीं मिलेगा, और जो हमारे पास है वो पूरा आपके पास नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी कोशिश करनी है कि हम अच्छे से तैयार कर लें। तो जाइलम के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहले बात आती है, जाइलम शब्द किसने दिया था। तो सबसे पहली बात याद रखोगे, शब्द दिया किसने दिया, नागोली नाम का एक व्यक्ति था। नागोली नामक व्यक्ति ने क्या किया था, ये जाइलम शब्द प्रतिपादित किया था। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है। अब ये जाइलम करता क्या है, ये पौधों में जल व खनिज लवण का परिवहन करता है। जल व खनिज लवण का
खनिज लवणों का परिवहन करता है, परिवहन करता है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे कि ये जो जाइलम होता है ये काम क्या करता है, जय फॉर जाइलम, जय फॉर जल, यानी जाइलम वो किसका परिवहन करेगा, जल का परिवहन करेगा, पौधे के अंदर जल का परिवहन करने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। अच्छा, खनिज लवणों का परिवहन भी कौन करता है, जाइलम करता है। अब आप इस प्रकार से याद रख सकते हो कि जो खनिज लवण होते हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, कहां पर पाए जाते हैं, ये मिट्टी में पाए जाते हैं, और मिट्टी में पानी के जरिए क्या होते हैं, ये किसके अंदर आते हैं, पौधे के पूरे संपूर्ण भाग में आते हैं। तो जल और खनिज लवणों का जो परिवहन है वो किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। इसके साथ साथ एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि ये जो जाइलम होता है ये फ्लोएम के साथ मिलकर के सहवन बंडलों का निर्माण करता है। अब ये सहवन बंडल होते क्या, इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन समझो अच्छे से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में कि ये जो जाइलम होता है, जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर के, लिख लो इस प्रकार से, जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर के, फ्लोएम के साथ मिलकर, फ्लोएम के साथ मिलकर मिलकर सहवहन बंडलों का निर्माण करता है, सहवहन बंडलों का निर्माण करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तो ये जो जाइलम होता है ये फ्लोएम के साथ मिलकर के क्या करता है, सहवहन बंडलों का निर्माण करता है। सहवहन बंडल का, सहवहन का मतलब क्या होता है, सहवहन का मतलब परिवहन करना, यानी जैसे फ्लोएम है वो तो किसका परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है, और जाइलम किसका परिवहन करता है, जल का परिवहन करता है। तो वो एक बंडल बना लेते हैं, अलग अलग जैसे इनके भाग होते हैं अलग अलग, जैसे मर्दूतक हो गया है ना, उसके बाद अगर बात करें जाइलम तंतु हो गया, इस प्रकार से इनके भाग होते हैं, तो वो इस प्रकार से टुकड़े से बना लेते हैं। ठीक है, टुकड़े से बना लेते हैं, एक भाग वो दूसरे भाग में देगा, दूसरा भाग तीसरे भाग में देगा, इस प्रकार से करता करता पूरे संपूर्ण शरीर में चला जाता है। तो ध्यान रखना, ये जो जाइलम होता है ये फ्लोएम के साथ किसका निर्माण करता है, सहवहन बंडलों का निर्माण करता है, यानी सहवहन की एक टुकड़ियां बना लेता है, सहवहन की यानी वहन करने के लिए क्या कर लेता है, ये टुकड़ियां तैयार कर लेता है, किसके साथ मिलकर के, फ्लोएम के साथ मिलकर के। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको लिखवाया है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर के क्या करता है, सहवहन बंडलों का निर्माण करता है, ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। अच्छा, ये जो जाइलम होता है इसमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखोगे, जो जाइलम होता है, जाइलम एक तो मृदुतक, इसमें मृदुतक, मृदुतक तथा स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक कोशिकाएं पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। तो ये बात भी आप कहीं ना कहीं ध्यान रखोगे कि ये जो जाइलम होता है, जाइलम इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो मृदुतक कोशिकाएं पाई जाती हैं और एक स्थूल कोण ऊतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, फालतू की बातें आपको नहीं बताऊंगा, कि ये जो जाइलम होता है इसमें एक तो मृदुतक पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है, स्थूल कोण ऊतक जो कोशिकाएं होती है वो पाया जाता है। तो यहां तक आप इसको एक बार प्योज करके लिख लीजिए अच्छे से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कर लीजिए यहां पर प्योज, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आपने कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं जाइलम के बारे में और बात करते हैं, जाइलम के बारे में और बातें करते हैं, जाइलम क्या है, किस प्रकार से बना होता है, वो सारी चर्चा करते हैं। जितनी बात मैंने आपको बताई उतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो हम बात कर रहे थे जाइलम के बारे में, जाइलम के बारे में है ना। तो देखो आगे, तो जाइलम के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये मृदुतक और स्थूल कोण ऊतक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब इसके बारे में आपको ये बात भी ध्यान रखना है कि जो जाइलम होता है इसको दो भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर, अवयव के आधार पर। तो ध्यान रखना, अवयव के आधार पर, अवयव के आधार पर, अवयव के आधार पर जाइलम दो प्रकार का होता है, जाइलम दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, यानी अवयव के आधार पर जो जाइलम होता है वो कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पहला प्रकार है प्राथमिक जाइलम, प्राथमिक जाइलम, और दूसरा जो प्रकार है वो है द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक जाइलम। तो मैंने आपको बताया है कि अवयव के आधार पर, अवयव का मतलब ये मान सकते हो कि इनकी जो उत्पत्ति होती है ना, उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम।
हम अगर बात करें प्राथमिक जाइलम के बारे में, तो जो प्राथमिक जाइलम होता है, प्राथमिक जाइलम ये पादप पादप के शरीर की प्राथमिक वृद्धि से उत्पन्न होते हैं, प्राथमिक वृद्धि से उत्पन्न होते हैं। अब ये प्राथमिक वृद्धि क्या होती है, ये बात आपको समझनी है कि जो प्राथमिक जाइलम होता है, प्राथमिक जाइलम पादप का जो शरीर होता है उसकी जो प्राथमिक वृद्धि होती है, उस प्राथमिक वृद्धि से क्या होता है, उत्पन्न होता है। अच्छा, ये प्राथमिक वृद्धि क्या है इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। तो प्राथमिक वृद्धि की अगर बात करें ना, तो प्राथमिक वृद्धि कहा जाता है, किसे कहा जाता है बाबू, जैसे पौधे की जो लंबाई होती है, पौधे की लंबाई, तो पौधे की लंबाई को हम क्या कहते हैं, प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। जड़ की लंबाई हो गई, पौधे के तने की लंबाई हो गई, उसको कहा जाता है प्राथमिक वृद्धि। तो उसी प्राथमिक वृद्धि के कारण कौन उत्पन्न होता है, ये प्राथमिक जाइलम उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है, प्राथमिक जाइलम उत्पन्न होता है, ठीक है। इसे भी दो भागों में बांटा गया, इसके भी कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भाग जो है ना वो है, पहले भाग का नाम है मेटाजाइलम। और दूसरा जो प्रकार है बाबू, वो भी आपको ध्यान रखना है, पहले का प्रकार है मेटाजाइलम और दूसरे का प्रकार है प्रोटोजाइलम। दूसरे का क्या नाम है, प्रोटोजाइलम, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे अच्छे से कि जो प्राथमिक जाइलम होता है, ये दो भाग होते हैं इसके, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, ठीक है। एक एक बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे, एक एक बात को आप अच्छे से लिखोगे, तब आपको जाके सफलता मिलने वाली है। तो मैंने आपको बताया कि जो जाइलम होता है उसको अवयव के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम। प्राथमिक जाइलम के बारे में मैंने आपको ये बात बताई कि जो प्राथमिक जाइलम होता है, ये पादप शरीर की जो प्राथमिक वृद्धि होती है उससे उत्पन्न होता है, और प्राथमिक वृद्धि होती है पौधे की लंबाई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो प्राथमिक जाइलम होता है उसके दो भाग होते हैं, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, इसके दो भाग होते हैं, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है द्वितीयक जाइलम के बारे में, किसके बारे में, द्वितीयक जाइलम। तो द्वितीयक जाइलम के बारे में भी आपको ध्यान रखना है कि जो द्वितीयक जाइलम होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है। तो ये पौधे के शरीर की द्वितीयक वृद्धि से उत्पन्न होता है, द्वितीयक वृद्धि से उत्पन्न होता है। यानी जब पौधे की द्वितीयक वृद्धि होगी तो ये द्वितीयक जाइलम बनेगा, और जब पौधे की प्राथमिक वृद्धि होगी तब प्राथमिक जाइलम बनेगा। अच्छा, द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है पौधे की मोटाई को, किसको कहा जाता है, पौधे की मोटाई को द्वितीयक वृद्धि कहा जाता है। तो ये बात भी आप ध्यान रखोगे कि जब पौधे की जो मोटाई है, तने की मोटाई, पौधा जब मोटा होता है उस टाइम कौन सा जाइलम बनता है, द्वितीयक जाइलम बनता है। कौन सा जाइलम बनता है, द्वितीयक जाइलम। और प्राथमिक जाइलम कब बनता है, जब पौधा वृद्धि कर रहा होता है, लंबाई में वृद्धि कर रहा होता है, तब ये प्राथमिक जाइलम बनता है, ठीक है। तो यहां तक आप इसको लिख सकते हैं, पॉज करके लिख सकते हैं, फिर हम आगे बात करें। यानी कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है द्वितीयक और प्राथमिक के बारे में। अब द्वितीयक के कुछ भाग होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अच्छे से आपने पॉज करके लिख लिया होगा, चलिए हाँ, अब बात करते हैं द्वितीयक जाइलम के कुछ भाग होते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं, ध्यान से समझना एक एक बात को अच्छे से। चलिए, जो द्वितीयक जाइलम होता है, द्वितीयक जाइलम को चार भागों में बांटा गया है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि द्वितीयक जाइलम के चार घटक होते हैं, द्वितीयक जाइलम के चार घटक होते हैं। इस बात को आप अच्छे से ध्यान रखोगे, यानी जो द्वितीयक जाइलम होता है उसके कितने घटक होते हैं, चार घटक होते हैं, वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात है। और द्वितीयक जाइलम के चार घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। जो पहला घटक होता है, जो पहला भाग होता है, वो होता है वाहिनिकाएं। दूसरा जो प्रकार होता है इसका, दूसरा जो घटक होता है उसका नाम होता है वाहिकाएं। एक होता है वाहिनिकाएं और एक है वाहिकाएं, है ना, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। तीसरा जो है वो है जाइलम तंतु, ये इसका तीसरा क्या है, घटक है। और चार नंबर घटक का नाम है जाइलम मृदुतक,
चार नंबर घटक का क्या नाम है? जाइलम मर्दुतक, जाइलम मर्दुतक, ठीक है ना। तो ये चार इसके क्या है घटक होते हैं। द्वितीयक जाइलम की मैं बात कर रहा हूं। द्वितीयक जाइलम को चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भागों में? वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम तंतु और जाइलम मर्दुतक। सबसे पहले हम बात करते हैं वाहिनिकाएं के बारे में। किसके बारे में? वाहिनिकाएं क्या होती हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं वाहिनिकाएं, हेडिंग आप लगा सकते हैं वाहिनिकाएं क्या होती हैं। सॉरी, देखिए वाहिनिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, जो पानी का जो परिवहन होता है, जल का जो परिवहन होता है उसमें मदद करती हैं। जल के परिवहन में क्या करती हैं? मदद करती हैं। जल के परिवहन में मदद करती हैं, मदद करती हैं। एक नंबर बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो जल का परिवहन होता है पौधे में उसमें मदद कौन करती है? वाहिनिकाएं मदद करती हैं। कौन करती हैं? वाहिनिकाएं। ध्यान रखना, वाहिकाएं नहीं, वाहिनिकाएं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, वाहिनिकाओं की अगर बात करें तो जो वाहिनिकाएं होती हैं वो लंबी होती हैं, संकीर्ण गुहा वाली होती हैं। ये लंबी होती हैं, लंबी संकीर्ण गुहा तथा सिरों से नुकीली होती हैं। कहने का मतलब इस प्रकार से होती हैं भैया, ठीक है ना, इस प्रकार की बनी होती हैं। तो ये लंबी होती हैं, इनकी गुहा जो होती है ना, गुफा जो होती है, ये वाली ये संकीर्ण होती है, थोड़ी चपटी होती है, ठीक है ना। और इसके जो सिरे होते हैं वो क्या होते हैं? इस प्रकार से नुकीले होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी अच्छे से। तो जो वाहिनिकाएं होती हैं, द्वितीयक जाइलम का जो पहला प्रकार है, पहला जो घटक है वो है वाहिनिकाएं, और ये जल के परिवहन में क्या करती हैं? मदद करती हैं। और ये लंबी होती हैं, संकीर्ण गुहा वाली होती हैं, और सिरों से क्या होती हैं? ये नुकीली होती हैं, पतली होती हैं सिरों से। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिका भित्ति जो होती है, उनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इनकी कोशिका भित्ति में, कोशिका भित्ति में लिग्निन का जमाव पाया जाता है, लिग्निन का जमाव पाया जाता है। यानी इनकी जो कोशिका ये भित्ति होती है इसमें क्या पाया जाता है? लिग्निन का जमाव पाया जाता है। किसका जमाव पाया जाता है? लिग्निन का जमाव पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो वाहिनिकाएं होती हैं उसकी कोशिका भित्ति में किसका जमाव पाया जाता है? तो लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ मान सकते हो, इस लिग्निन का क्या पाया जाता है? जमाव पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बात करिए वाहिनिकाएं किस प्रकार के पौधों में पाई जाती हैं, तो आप ध्यान रखोगे कि ये जो वाहिनिकाएं होती हैं ये खास तौर से टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म आदि पादपों में पाई जाती हैं, आदि पादपों में पाई जाती हैं। यानी मुख्य रूप से ये जो वाहिनिकाएं होती है वो किस प्रकार के पौधों में पाई जाती हैं? जो टेरिडोफाइटा समूह के होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म समूह के होते हैं, या फिर जो एंजियोस्पर्म समूह के जो होते हैं ना, उन प्रकार के पौधों में क्या पाई जाती हैं? ये वाहिनिकाएं मुख्य रूप से पाई जाती हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। तो वाहिनिकाओं की बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो द्वितीयक जाइलम था उसके चार घटक थे। पहले घटक का नाम था वाहिनिका। वाहिनिकाओं के बारे में अगर हमने बात की तो जल के परिवहन में मदद करती हैं, ये लंबी होती हैं, संकीर्ण गुहा वाली होती हैं, और सिरों से क्या होती है? नुकीली होती हैं, ठीक है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इसकी जो दीवार होती है, उसके ऊपर किसका जमाव पाया जाता है? लिग्निन का जमाव पाया जाता है। टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आदि जो पौधे होते हैं उनके अंदर ये मुख्य रूप से पाई जाती हैं, ठीक है। यहां तक आप इसको लिख लीजिए, इसको प्योज करके लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा अच्छे से प्योज करके, बहुत अच्छा। अब हम चर्चा करते हैं दो नंबर किसके बारे में? वाहिकाओं के बारे में। किसके बारे में? वाहिकाएं क्या होती हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। वाहिकाएं, तो आप हेडिंग लगा सकते हैं दो नंबर वाहिकाएं, दो नंबर आप हेडिंग लगा सकते हैं वाहिकाएं, वाहिकाएं। देखिए वाहिकाएं क्या हैं, क्या काम करती हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये जो वाहिकाएं होती हैं ये लंबी तो होती हैं लेकिन इनके जो सिरे होते हैं वो क्या होते हैं? चौड़े होते हैं। ये लंबी
लंबी चौड़े सिरे वाली तथा चौड़ी अवकाशिका वाली बेलनाकार होती हैं। चौड़ी अवकाशिका वाली बेलनाकार होती हैं। यानी कहने का मतलब ये जो बनी होती है इस प्रकार से बनी होती हैं, इस प्रकार से इनके चौड़े सिरे होते हैं, इस प्रकार से बेलन के आकार की होती हैं, ठीक है ना। लंबी तो होती हैं लेकिन इनकी इसके सिरे क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। और इसकी जो गुफा है ना वो भी चौड़ी होती है, वो भी क्या होती है, चौड़ी होती है, ठीक है। उनकी जो गुफा थी वो संकीर्ण थी और इसकी गुफा क्या है, चौड़ी है। उसके सिरे पतले थे और इसके सिरे क्या है, मोटे हैं, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ आपको वाहिकाओं के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। ये पानी का जो सेवन होता है, जब पानी का वहन होता है उस टाइम पाइपलाइन की तरह काम करती हैं। तो आप अच्छे से ध्यान रखोगे, पानी के सेवन में पाइपलाइन की तरह काम करती हैं, पाइपलाइन की तरह कार्य करती हैं। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे कि ये जो वाहिकाएं होती हैं, ये जब पानी का सहवन होता है, पानी का जब वहन होता है उस टाइम क्या करती हैं, एक पाइपलाइन की तरह काम करती हैं। किसकी तरह काम करती हैं, पाइपलाइन की तरह काम करती हैं, ठीक है ना। ये पाइप से आपको दिख रहा है, तो वो तो क्या कर रही थी, पानी के सहवन में मदद कर रही थी। और ये पाइप रूपी जो सहायता है वो प्रदान करती हैं पानी के सहवन के लिए। तो इंपॉर्टेंट बात है, पानी के का जब वहन होता है उस टाइम पाइपलाइन की तरह काम करने वाली जो घटक है उसका क्या नाम है, वाहिकाएं। ध्यान रखोगे, इसकी कोशिका भित्ति पर भी किसका जमाव पाया जाता है, लिग्निन का जमाव पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति पर भी लिग्निन का जमाव पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसकी जो कोशिका भित्ति होती है उस टाइम, इसकी जो कोशिका भित्ति होती है उसके ऊपर भी किसका जमाव पाया जाता है, उसके ऊपर भी लिग्निन का जमाव पाया जाता है। और वाहिनिकाओं के की जो कोशिका भित्ति होती है उनके ऊपर भी लिग्निन का जमाव पाया जाता है। लेकिन थोड़ा सा इनमें अंतर समझना है, वो तो पानी के सहवन में मदद करती हैं, उसको सहवन करने में सहायता प्रदान करती हैं और ये पाइपलाइन की तरह काम करती हैं। वो नुकीले सिरे वाली होती हैं, ये चौड़े सिरे वाली होती हैं, वो भी लंबी होती हैं, ये भी लंबी होती हैं, लेकिन उनकी गुहा संकीर्ण होती है, इसकी गुहा क्या होती है, चौड़ी होती है, ठीक है ना। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे। इसके साथ साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये जो वाहिकाएँ होती हैं इनकी जो अंदर की जो भित्ति होती है, अंतः भित्ति जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर छिद्रित प्लेटें पाई जाती हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, इनकी अंतः भित्ति पर छिद्रित प्लेटें पाई जाती हैं। इस प्रकार से छिद्रित प्लेटें पाई जाती हैं। इनके अंदर क्या होते हैं, इस प्रकार से छेद होते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो अंदर की भित्ति होती है, अंतः भित्ति जिसको बोलते हैं, उस अंतः भित्ति के ऊपर क्या पाए जाते हैं, छिद्रित प्लेटें पाई जाती हैं। ये आपको ध्यान रखनी है वाहिकाओं के बारे में। तो उम्मीद कर सकता हूँ यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। बिल्कुल आपने अच्छे से इसको फ्यूज करके लिख लिया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है ना, तीन नंबर, उसका नाम है जाइलम तंतु। अब हम जाइलम तंतु के बारे में चर्चा करते हैं। तीन नंबर आप हेडिंग लगा सकते हैं, जाइलम तंतु। चलिए, तो आप हेडिंग लगा लिए होंगे, तीन नंबर जाइलम तंतु क्या होता है। देखिए, जाइलम तंतु के अगर बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं, मृत होते हैं और दृढ़ोतक कोशिकाएं होती हैं। ध्यान रखना, ये मृत दृढ़ोतक कोशिकाएं होती हैं, ये मृत दृढ़ोतक
कोशिकाएं होती हैं, ये मृत और दृढ़तोतक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, मृत होती हैं और दृढ़ होती हैं, ठीक है, उत्तक होता है एक प्रकार का, ये एक प्रकार का उत्तक है, दृढ़तोतक उत्तक है ये, ठीक है, और ये मृत होती हैं। अच्छा, जाइलम तंतु के बारे में और भी आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो होती है ना, ये भी लंबी होती हैं, क्या होती हैं, लंबी होती हैं, ये लंबी लंबी कोशिका भित्ति पर, कोशिका भित्ति लिग्निन युक्त होती है, कोशिका भित्ति लिग्निन युक्त होती है, लिग्निन युक्त, ध्यान रखोगे, ये जो जाइलम तंतु होता है ये लंबा होता है, कोशिका भित्ति के ऊपर, कोशिका भित्ति के ऊपर क्या पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, और इसके सिरे क्या होते हैं, तथा इसके सिरे नुकीले होते हैं, इसके सिरे नुकीले होते हैं, नुकीले होते हैं, ठीक है, इसके सिरे क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। तो ये बात पे आप ध्यान रखोगे, जाइलम तंतु जो होता है वो लंबा होता है, कोशिका भित्ति इसकी जो होती है वो लिग्निन युक्त होती है, इसके ऊपर लिग्निन का जमाव पाया जाता है, और इसके सिरे क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, ठीक है। इनकी मात्रा ज्यादा किस में पाई जाती है, इनकी मात्रा द्वितीयक जाइलम में ज्यादा पाई जाती है, द्वितीयक जाइलम में ज्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखोगे कि जो जाइलम तंतु होता है इसकी मात्रा ज्यादातर किसके अंदर पाई जाती है, द्वितीयक जाइलम में पाई जाती है, ठीक है ना, द्वितीयक जाइलम में। प्राथमिक जाइलम में कम पाई जाती है, क्योंकि ये पार्ट किसके होते हैं, ज्यादातर ये पार्ट होते हैं द्वितीयक जाइलम के, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे होते हैं द्वितीयक जाइलम के जो प्राथमिक जाइलम के अंदर भी पाए जाते हैं, अपना काम है वो प्राथमिक जाइलम में भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं अपना। तो ज्यादातर ये जो जाइलम तंतु होता है ये सारा का सारा काम द्वितीयक जाइलम के अंदर ही करता है, किसके अंदर करता है, द्वितीयक जाइलम में ही करता है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे, यहां तक आप लिख लीजिए, जाइलम तंतु के बारे में आपको इतनी ही बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आप तो थोड़ा थोड़ा करवा रहे हो, तो बाबू मैं आपको बता दूं, 11वीं क्लास से मैं आपको करवा रहा हूं, क्योंकि ये बातें जो है ना वो 11वीं क्लास में दे रखी हैं, और मेरे पास जो 11वीं की जो बुक है 11वीं क्लास की, उस 11वीं क्लास की बुक में इतना ही दे रखा है जो मैं आपको करवा रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो आपने इसको लिख लिया होगा। अब हम चर्चा करते हैं चार नंबर बात करते हैं जाइलम मृदुतक के बारे में। लेकिन मैं आपसे इतना दावा करता हूं कि मैं जब आपको एमसीक्यू क्यों करवाऊंगा ना, तब मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे करवा दूंगा, और मैं आपको बता दूंगा 10 से 12 क्लास में आपको एक्स्ट्रा में क्या दूंगा, एक्स्ट्रा में मैं आपको एमसीक्यू क्लास दूंगा, ठीक है, उसमें आपके लगभग डाउट क्लियर भी हो जाएंगे, ठीक है। और खास तौर से तो आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, आपके पास जो बुक है ना उससे पढ़ो, तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, मैंने जितना करवाया है उतना तो करना ही करना है, इसके साथ साथ आपको 15-10-20% आपको खुद भी पढ़ना है, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, ठीक है। मैं बार बार आपको ये बात बोलता हूँ, इस बात को आप समझ लो, क्योंकि आप सीनियर हो, बिल्कुल छोटे बच्चे नहीं हो, आप इस बात को समझ सकते हो, क्योंकि आप सभी BA BEd हो, तो आपको ये बात तो पता होनी चाहिए कि भाई टीचर का काम जो होता है ना वो एक बुक में रुचि पैदा करवाने का होता है, और आप भी टीचर के लेवल के ही मतलब स्टूडेंट हो, टीचर के लेवल के स्टूडेंट हो, इसका मतलब तो आपको पता होना चाहिए इस बात का, बुक में आपको रुचि लेनी है, मैंने जो टॉपिक करवाया है वही टॉपिक आपको आपकी बुक से पढ़ना है, आपके पास किसी सभी के पास अलग अलग प्रकार की बुक होगी तो उनसे पढ़ना है, तो इंटरेस्ट आपको आएगा, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो जाइलम मृदुतक के बारे में बात करते हैं। जाइलम मृदुतक के बारे में अगर बात करें तो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा, यह जाइलम का जीवित भाग होता है, यह जाइलम का जीवित भाग होता है। यह जाइलम का जीवित भाग होता है, यानी इस जाइलम मृदुतक को छोड़कर, जितने भी भाग होते हैं वो क्या होते हैं, मृत होते हैं। इसे हम पेरेनकाइमा भी कहते हैं, इसे पेरेनकाइमा भी कहा जाता है। ये बात पे आप अच्छे से ध्यान रखोगे, ठीक है। तो जाइलम मृदुतक, यह जाइलम का जीवित भाग होता है, एकमात्र जीवित भाग जाइलम का, अन्य जितने भी भाग हमने पढ़े हैं वो सारे क्या होते हैं, मृत होते हैं, लेकिन ये क्या होता है, पेरेनकाइमा जो होता है वो क्या होता है, जीवित होता है, ठीक है। और ये काम क्या करता है, ये सबसे पहले बात ये करनी है कि ये प्राथमिक और द्वितीयक दोनों में पाया जाता है, प्राथमिक जाइलम
दोनों में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान रखोगे कि प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम दोनों में ही पाया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बिल्कुल, प्राथमिक जाइलम और द्वितीयक जाइलम दोनों में ही क्या है, ये पाया जाता है। अब बात करते हैं इसका मुख्य काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। ये जो स्टार्च होता है और जो वसा होती है उसको संग्रहित करने का काम करता है। तो यह मुख्य रूप से स्टार्च तथा वसा का संग्रहण करता है, वसा का क्या करता है, संग्रहण करता है। तो ये इसका मुख्य कार्य है जाइलम मर्दूतक का। ध्यान रखना, जो जीवित भाग है जाइलम का, एकमात्र जीवित भाग कौन है, जाइलम मर्दूतक है। और ये मुख्य रूप से क्या करता है, स्टार्च और वसा का क्या करता है, संग्रहण करता है, वसा और स्टार्च को संग्रहित करने का काम करता है। ये बात किसकी हो गई, ये बात जाइलम मर्दूतक की हो गई। तो मैंने आपको जाइलम का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया, पहले तो आप इसको लिख लीजिए, इसका आप फ्यूज करके यहाँ पर लिख लीजिए। तो मैं आपको बता दिया हूँ कि जाइलम क्या होता है, जाइलम के बारे में मैंने आपको बता दिया, जाइलम जल का परिवहन करता है, ठीक है। अब बात आती है फ्लोएम क्या होता है, तो फ्लोएम के बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में यहीं पर हम समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से आपको तैयारी करनी है, ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करनी है, जितना मैं आपको करवा रहा हूँ वो तो करना ही करना है। इसके साथ साथ आपको आपकी बुक से भी पढ़ना है। अगर आपकी बुक से आप नहीं पढ़ रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी मूर्खता है आपकी, क्योंकि सक्सेस वही होगा जो बुक से पढ़ता है, क्योंकि बुक के बगैर कहीं सफलता नहीं है। और बुक आपको पढ़नी है, एनसीईआरटी की बुक, जो भी 11th 12th की 9th 10th की जो भी बुकें हैं वो पढ़नी है आपको, वहाँ से आपका कंसेप्ट अच्छा क्लियर होगा। और वहीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई गाइड नहीं है, उस गाइड से मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं 9th से लेकर 12th तक की जो एनसीईआरटी की बुक है वहीं से आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वहीं से आपको पढ़ना है, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए और अच्छे से आपको सफलता मिल जाए, यही मेरी मनोकामना है और यही हमारी टीम की मनोकामना है कि आप अच्छे से सक्सेस हो जाओ और एक सीट आपकी पक्की हो जाए। तो इसीलिए हम अच्छे से आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, हम हमारी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं होगा कि हम मेहनत करते या नहीं करते, लेकिन सच में हम मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके आपको पढ़ा पाते हैं, ठीक है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, आपको सफल करने के लिए हमने जो बीड़ा उठाया है, जो हमने ठानी है कि आपको सफल करवा के रहना है, तो मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, हमारा कर्तव्य है ना। लेकिन हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, उस रास्ते के ऊपर चलना और न चलना वो आपका काम है। अगर आप चलोगे तो आप सफल हो जाओगे, अगर नहीं चलोगे तो आप असफल हो जाओगे। और वैसे भी सब ने मतलब जो कोर्स ले रखा है या जो कोर्स पढ़ रहे हैं हमसे, तो वो है, ये तो है नहीं कि सभी मतलब सक्सेस हो जाएंगे। बहुत सारे बच्चे सीरियस होते हैं, बहुत सारे बच्चे सीरियस नहीं होते। जो सीरियस होगा अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, वो सक्सेस होगा, और जो सीरियस नहीं है वो सक्सेस नहीं होगा। जो सिर्फ टीचरों की गलती निकालने में रहता है, टीचरों की कमी पकड़ने में रहता है, वो सक्सेस नहीं हो सकता। जो अच्छे से कंफर्टेबल महसूस करके अच्छे से पढ़ेगा ना, वही सक्सेस होगा। हाँ, जरूर टीचर ने कुछ छोड़ दिया होगा, छूट भी सकता है, क्योंकि आपके पास जो गाइड है वो मेरे पास नहीं है और मेरे पास जो गाइड है वो आपके पास नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से छूट सकता है कोई कॉन्सेप्ट, कोई फैक्ट छूट सकता है। तो वो फैक्ट जब तक आप नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो आपको अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है। दोष किसी को नहीं देना, अगर आप असफल हो गए तो भी आप दोषी हो, अगर आप सफल हो गए तो भी आपकी ही मेहनत है, हमारी कोई मेहनत नहीं है इसमें, हम आपको सिर्फ रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बाबू, आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।